So yesterday we started with the chapter of rural development. बता दो, rural development में चार issues main आते हैं जिसकी development के ऊपर हमको focus करना है, जिनमें दो जो हैं वो lingering issues हैं और दो जो हैं वो emerging issues हैं. लिंगरिंग इश्यूज में से पहला कौन सा है? रूरल क्रेडिट. सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. देयर आर इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 90% ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द पीपल वर बीइंग फुलफिल्ड by non-institutional sources like money lenders and traders. But they would manipulate the accounts, they would charge high rate of interest. Yes, in this way they would exploit the rural people. So government ne ek multi-agency approach start ki. Multi-agency approach mein डिफरेंट सोर्सेज जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, दे वर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट एट लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इतना कुछ करने के बाद नबार्ड भी सेटअप किया गवर्नमेंट ने 1982 में. ये एक एपेक्स बैंक है जो कि उन सारी इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है. लगन बी अटेंटिव. उन सारी इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है जो रूरल एरियाज को फाइनेंस करती है. ठीक है, लेकिन फिर भी गैप्स थे. अभी भी लोगों की क्रेडिट नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी. सो गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. These emerged, self-help groups emerged to fill the gap between the formal credit system. क्योंकि formal sources बेटे जो मर्जी कह लो, cooperative societies हैं, commercial banks हैं, illiteracy इतनी ज्यादा है हमारी country में. मैं कहती हूँ literate होके भी, educate होके भी लोग bank जाने से कतराते हैं. उनको बैंक का काम करना नहीं आता, बैंक का फॉर्म फिल करना नहीं आता. आपको मैं अभी भेज दूं ना तो आप शायद मैं बोलूं कि इतने पैसे निकलवा के आओ, यू वोंट बी नोइंग विच इंस्ट्रूमेंट इज टू बी फिल्ड. ठीक है, तो थिंक ऑफ दोज पीपल हु आर इलिटरेट, हाउ वुड दे सीक लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं बैंक्स जाने में. ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इमर्ज्ड हुए. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आपको पता है क्या है, 15 to 20 मेंबर्स अपनी सेविंग्स, डेली सेविंग्स करते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं और उसको इकट्ठा करके एक सिक्योरिटी की तरह डिपॉजिट करके बैंक्स गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं. गवर्नमेंट इनको लोन दे देती है, जो लोन ये अपने ग्रुप मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं. ठीक है, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ डेटा आपको गिवन है विच यू नीड टू डू. मई 2019 तक 6 करोड़ विमेन इन इंडिया दे हैव बिकम मेंबर ऑफ 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, 6 करोड़ विमेन है जो कि 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं. So about 10 to 15,000 per self-help group and another 2.5 lakhs per self-help group as a community investment support fund are provided as a part of renovating funds to take up self-employment for income generation. Government 10 se 15,000 rupaye per self-help group ko. इसके अलावा अबाउट 2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड कर रही है.
ये जो 2.5 लाख रुपए है ये प्रोवाइड किए जाते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के तहत, ठीक है। सो कोई भी फंड की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंड्स मिल रहे हैं, इन फंड्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप यूज कर सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। सो सच क्रेडिट प्रोविजंस, इनको हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स या प्रोग्राम्स, ठीक है। अंडर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम स्मॉल अमाउंट्स आर गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली अमंग दी विमेन, ठीक है। लेकिन आजकल ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फंड्स हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी कंजम्पशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज कर रही है। सो ये इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप आर वेरी वेरी पॉपुलर, दे हैव डन अ लॉट फॉर विमेन। विमेन यूज टू बी यू नो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उसका एक कारण ये था कि वो एक दूसरे को कुछ कह नहीं पाती थी, उनको लगता था कि मेरा हस्बैंड ही डोमेस्टिक वायलेंस करता है और किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तो शी वुड फील गिल्टी हरसेल्फ, अपनी पोजीशन बताने के लिए उसको वो एम्बेरेस्ड फील करती थी सोसाइटी में, वायलेंस उसके साथ हो रहा है, विक्टिम वो बन रही है, बट शी यूज टू फील एम्बेरेस्ड सोसाइटी में, इस चीज को वो बाहर नहीं निकाल पाती थी, ठीक है। बट नाउ व्हेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड, women come, they hold their meetings, they discuss their personal issues as well, so it gives them confidence, ke ab unke paas ye confidence hai ke unko ye domestic violence ka victim nahi banna, moreover wo independent ho rahi hai, financially independent ho rahi hai, wo ghar ka ek earning member ban rahi hai, kai self help group ki women members aisi hain jinke ghar mein they are the earning members, their husbands are not earning anything but they are you know embroidery wale kaam karti hain, mats banati hain, carpets banati hain, daris banati hain, bahut sare aise kaam, papad banati hain, theek hai। to is tarah ke agarbatti jitni bhi ye cottage industry hai, chalks banati hain, so they are earning money for their families, so it has provided them a platform, unko ek platform mila hai apni personality ko develop करने का, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाने का और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर जो हम देते हैं फंड्स, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। माइक्रो का मतलब स्मॉल अमाउंट, ठीक है, माइक्रो ऑलवेज इंप्लाइज स्मॉल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स आर प्रोवाइडेड अंडर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर पार्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस डू द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रूरल बैंकिंग। सो फार आपने ये पढ़ा कि इनिशियली पीपल क्रेडिट नीड्स वर बीइंग फुलफिल्ड, मेजॉरिटी नीड्स वर बीइंग फुलफिल्ड बाय द मनी लेंडर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट्स किए, मल्टी एजेंसी अप्रोच स्टार्ट की, जिसमें कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब मिलके आज इनकी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल कर रही हैं। आज मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स आर बीइंग फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, लेकिन फिर भी क्या इसमें कुछ कमियां हैं हमारे रूरल बैंकिंग सिस्टम में। सो लेट अस सी, पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या रहे हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा है, हमारी इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है जैसे जैसे बैंक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। फेमाइंस, दे हैव बिकम इवेंट्स ऑफ द पास्ट। आज हमारी कंट्री में फेमाइंस नहीं आते, सूखा नहीं पड़ता, दे हैव बिकम थिंग्स ऑफ पास्ट। सो फूड सिक्योरिटी हमारी कंट्री में, फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, असेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन। सो फूड सिक्योरिटी हमारी कंट्री में आई है, बट ऑल इज नॉट वेल विद अवर बैंकिंग सिस्टम। कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के बाकी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव फेल्ड टू डेवलप
अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। बेटे जब तक इंस्टीट्यूशंस के पास फंड्स नहीं इकट्ठे होंगे वो लोन कैसे देंगे? यस, आप लोग अपने पैसे अगर बैंक में नहीं जमा कराओगे तो बैंक्स लोगों को लोन कैसे देंगे? तो कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के, मतलब कमर्शियल बैंक्स दे हैव सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। मोबिलाइजिंग फंड्स मींस फंड्स इकट्ठे कर पा रहे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स को छोड़ के और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं है जो लोगों से डिपॉजिट्स इकट्ठे कर पा रही हैं, जिस करके बोरोअर्स की अमाउंट उनकी बढ़ती जा रही है लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। ठीक है, देन एग्रीकल्चर, सेकंड ड्रॉबैक, एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। डिफॉल्ट रेट समझते हो, एक फार्मर ने 2 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, 5 साल के बाद भी उसने वापस नहीं किया, दिस इज डिफॉल्ट। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? देयर आर टू रीजंस। वन, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं बनती, उनसे 5 लाख रुपए वापस नहीं हो पाते, उनकी कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि वो अपना लोन रीपे कर पाए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा डाउन रहती है। दूसरा, उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स जो है वोट बैंक है गवर्नमेंट का, और नई गवर्नमेंट आती है तो वो वोट लेने के लिए क्या करती है, अनाउंसमेंट कर देती है कि जो फार्मर्स हैं इनके लोन हम माफ कर देंगे। गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दी, फार्मर खुश, लेकिन बैंक्स को तो नुकसान हो गया। ये नहीं है कि गवर्नमेंट उनके फंड्स को वापस करती है, गवर्नमेंट सिर्फ माफ कर देती है उनके फंड्स को, इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? बैंक्स को। ठीक है, सो ये एक डिसएडवांटेज है। डिफॉल्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर जब से बेटे रिफॉर्म्स 1991 के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, तब से एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई रिफॉर्म नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, तो रूरल बैंकिंग जो है तब से एक्सपेंशन की तरफ नहीं है, रादर वो रुक गया है। इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जनधन योजना, पता है आप सबको, जनधन योजना बेटे मोदी की एक योजना है जिसमें मोदी ने सबको बोला है कि आप अपने अकाउंट्स 1 रुपए से खोल सकते हैं, ठीक है, और उसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, और ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं इनको 1 से 2 लाख तक की इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और इनमें कुछ अकाउंट्स में 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी मिलता है। तो अगर आपने जनधन अकाउंट खुलवाया है रूरल एरियाज में तो आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है पॉवर्टी रिमूव करने के लिए क्या हो रहा है बेटे, लास्ट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हमने लास्ट चैप्टर में की थी, पॉवर्टी के चैप्टर में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए पेंशन देती है गवर्नमेंट, है ना, ओल्ड एज पीपल को, विडोज को, वो पेंशन कहाँ पे ट्रांसफर होती है, इन अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट बेटे आते हैं हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। सेकेंड जो लिंगरिंग इश्यू है रूरल डेवलपमेंट का, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? मार्केटिंग से जनरली आप ये समझते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी, है ना? नो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म। It encompasses all the activities right from the gathering of the produce till the final sale of the produce. Agricultural marketing does not refer to buying and selling of agricultural commodities. It's a wider term. It encompasses all the activities right
फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस, जैसी हार्वेस्टिंग हुई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इकट्ठी होती है, गैदर की जाती है, इकट्ठा करते हैं, दैट इज नोन एज गैदरिंग. राइट आफ्टर गैदरिंग इट इज स्टोर्ड. स्टोरेज के बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है. जैसे अगर राइस की क्रॉप है, हस्क रिमूव किया जाता है उसका, राइस का दाना ग्रेन उसमें से निकाला जाता है. हाउ? बाय प्रोसेसिंग इट. पता है आप सबको, आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड, देन ग्रेडिंग इज डन. डिफरेंट क्वालिटी के जो राइस है वो अलग अलग किए जाते हैं. कोई बासमती है, कोई टोटा है, कोई अलग अलग क्वालिटीज होती है. बासमती में भी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो उनको ग्रेड किया जाता है, फिर उनकी पैकेजिंग की जाती है, फाइनली इट इज सोल्ड. ऑल दीज एक्टिविटीज राइट फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस टू द फाइनल सेल ऑफ द प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. बेटे आपने बिजनेस में भी पढ़ा ना मार्केटिंग, तो उससे आपको पता चल गया मार्केटिंग डज नॉट मीन बाइंग एंड सेलिंग. राइट फ्रॉम डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग द प्रोडक्ट, पैकेजिंग द प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी एक्टिविटीज आती. मार्केटिंग तो मार्केटिंग है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो सारे काम होते हैं, प्रोड्यूस को इकट्ठे करने से लेके असेंबलिंग से लेके मार्केटिंग तक के, डिस्ट्रीब्यूशन तक के, मार्केटिंग नहीं डिस्ट्रीब्यूशन तक के, इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. क्लियर? ओके. इंडिपेंडेंस के टाइम पे और प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स वर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स. उस टाइम पे मैंने कहा फार्मर्स किससे लोन लेते थे? ट्रेडर से लेते थे. ट्रेडर कहता था मैं तेरे को लोन दे दूंगा, लेकिन जब तेरी क्रॉप मैच्योर होगी यू हैव टू सेल इट टू मी. फार्मर को माननी पड़ती थी ये बात, ठीक है? तो वो उससे लोन ले लेता था जब उसकी क्रॉप मैच्योर होती थी. वो ट्रेडर उसके पास आ जाता था, वो कहता था चल अब ये मेरे को बेच दे, और वो उसको मार्केट से कम रेट के ऊपर दाम देता था. इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस से. सेकेंडली, फार्मर के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती थी. यानी आपको पता है जिस टाइम पे सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइसेस कम होते हैं, है ना? अब वीट की हार्वेस्टिंग पूरी कंट्री में एक टाइम पे हो रही है, तो उसी टाइम सारे फार्मर्स अगर बेचने जाएंगे तो उसकी सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में, जिस करके उसके प्राइसेस कम मिलेंगे. तो क्या करना चाहिए फार्मर को? उस टाइम पे क्रॉप नहीं बेचनी चाहिए. क्या करना चाहिए? स्टोर करके रख लेनी चाहिए. कहां स्टोर करेगा? फार्मर की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, तो ही वॉज फोर्स्ड टू सेल. आपने सोचा मैं एक महीने बाद बेचूंगा, आपने अपने वो क्रॉप्स की वो ढेरी बना के रख ली, बारिश आ गई, खराब हो गई, नुकसान हो गया. सो आपके पास गडाउंस तो है नहीं है, तो सो दे वर फोर्स्ड टू सेल एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम प्राइसेस यूज्ड टू बी वेरी वेरी लो. सो इसको डिस्ट्रेस सेल कहते हैं. सो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स एडॉप्ट किए इन ऑर्डर टू इंप्रूव एग्री. यस अमितोस, इनफ. गवर्नमेंट अडॉप्टेड सर्टन मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. नंबर वन, रेगुलेटेड मार्केट्स वर सेट अप बाय द गवर्नमेंट. रेगुलेटेड का मतलब
market which is regulated by some authority. So government ne aisi markets banayi jinko market committees supervise karti hain. Market committees hai jisme farmers ke representatives, government ke representatives, commission agents के representatives सब members होते। बेटे देखो, जब एक farmer बेचने जाता है तो उसमें कौन कौन involved होता है? farmer direct आपको नहीं बेचता, आप जितनी भी चीजें consume करते हो, आटा, दाल, fruit, सब्जी, क्या आप farmer से direct खरीदते हो? आप किससे खरीदते हो? आप एक शॉपकीपर से खरीदते हो। क्या ये शॉपकीपर डायरेक्टली फार्मर से लेके आता है? आपके पास जो सब्जी वाला रेडी पे आता है सब्जी बेचने, क्या वो फार्मर से डायरेक्टली लेके आता है? कहां से लेके आता है? मंडी से लेके आता है। व्हाट आर मंडीज? दीज आर रेगुलेटेड मार्केट्स। मंडीज में कौन बेच रहा है? फार्मर बेच रहा है? नहीं, मंडीज में कमीशन एजेंट्स हैं। आप लोगों को कुछ नहीं सुनना बच्चे? कमीशन एजेंट्स हैं। फार्मर्स कमीशन एजेंट्स के पास जाते हैं, उनको अपनी प्रोड्यूस बेचते हैं कमीशन एजेंट से। शॉपकीपर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं वो लेते हैं और वो फाइनली कंज्यूमर को बेचते हैं। अब कमीशन एजेंट फार्मर से गुड्स किस रेट पे लेगा और ये कैसे पैसे अर्न करता है? ये मिडलमैन है ना, ये एक फिक्स्ड कमीशन रखता है। अगर 100 रुपए की चीज उसने फार्मर से खरीदी तो वो 6 रुपए खुद रखेगा, 94 वो फार्मर को दे देगा। ठीक है, 6%, 7%, 8%, ये कितनी कमीशन रखेगा? दैट इज फिक्स्ड बाय मार्केट कमेटी। ये एक कमेटी है जो सबके इंटरेस्ट को देखती है, फार्मर के भी, कमीशन एजेंट के भी। तो इसमें सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप बोलो कि भी हमें रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया, हमारा तो देखा ही नहीं गया इसमें। हमने सबका इंटरेस्ट देखना है, सिर्फ फार्मर का नहीं देखना, इसका भी देखना है। फार्मर का कैसे देखना है? ये इसको एक्सप्लॉइट ना करे, ये ना हो 100 रुपए की 100 किलो लेके और बोले 90 किलो वेट है, कम रेट पे ना बेचे या अपनी कमीशन ना ज्यादा चार्ज कर ले। ठीक है, इसको भी प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट ये ना कहे कि 2% ही आपने कमीशन रखनी है, 2% में इसको क्या बचेगा? ठीक है, तो इसीलिए हर एक के हमने इंटरेस्ट को देखना है। तो इसीलिए जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, दीज आर सुपरवाइज्ड बाय मार्केट कमिटीज। ठीक है, सो रेगुलेटेड मार्केट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर द मार्केट्स विच आर सुपरवाइज्ड बाय द मार्केट कमिटीज विच इंश्योर दैट नो मेल प्रैक्टिसेस गो ऑन इन द मार्केट। कोई अंडरवेट गुड्स ना हो, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। आप मंडी में कभी जाकर देखो, वहां पर वेट्स लगे होते हैं, वहां पे आप वेट, फार्मर आता है, वेट करवाता है इंडिपेंडेंट एजेंसी से और जितना वेट होता है उतने वेट के हिसाब से वो अपने पैसे लेता है, कोई उसको एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स आर बीइंग यूज्ड।